हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर। यूं तो मंदसौर जिला पशुपतिनाथ मंदिर, शिवना नदी, चंबल नदी और गांधी सागर डैम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार हम आपको दर्शन करवाएंगे एक ऐसी जगह के जो माना कि थोड़ी कम पहचानी गई है, किंतु इसका इतिहास धार्मिक आस्थाओं एवं मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो की शुरुआत होती है धर्मराजेश्वर के प्रमुख द्वार से। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है धर्मराजेश्वर का प्राचीन मंदिर। मंदिर के प्रमुख द्वार से निकलते ही कुछ दूरी पर स्थित है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये रास्ता मंदिर में जाने का एकमात्र रास्ता है, जो कि सिर्फ एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब दोस्तों, मैं सीधा आपको ले चलता हूँ शिवलिंग एवं भगवान विष्णु के दर्शन करवाने। पंडित जी, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइएगा हमको। ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है और ये आपको दिख ही रहा है कि एक ही पत्थर से बना हुआ है यहाँ पे सभी, और 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये पांडवों के अज्ञात कालीन के समय में बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी बौद्ध गुफाएं इधर भी है उधर भी है, आपने देखी होगी। ये इसका इतिहास कहता है कि ये एक ही रात में बनाया हुआ मंदिर है। इसके पास में कुआं भी है, जो एक ही बताया कि एक ही पांव से बनाया हुआ कुआ है। और वो ये पूरा मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार में आता है, और ये मंदिर बहुत ही अलौकिक मंदिर है जो हमें दिख रहा है। और ये मंदिर एक ही पत्थर से बना हुआ, इसमें कोई सीमेंट में जुड़ाव उड़ाव कुछ भी नहीं है। और यह समय बहुत पुराना मंदिर है, इसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भीम की गुफाएं भी है, वो किस ओर है? भीम की गुफा इधर है, वो बहुत समय पुरानी वो भी है। बहुत सारी गुफाएं यहाँ पे पूरा मतलब एक पत्थर से बना हुआ बहुत सारी गुफाएं, मतलब पूरा बल्डा कोर रखा है भीम उसी समय। अच्छा, कितने साल पुराना है लगभग ये? करीबन महाभारत के समय का है, तो महाभारत के समय 5000 वर्ष पुराना है। अच्छा, धन्यवाद। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ
भीम द्वारा बनाई गई आकर्षित गुफाएं, जिन्हें देखने काफी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये सोए हुए भीम की मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दोनों दिशाओं से नापने पर इसकी लंबाई कम ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।